श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरदास। और मैंने आपके लिए ये वीडियो बना के रख दी थी कि छोटे छोटे शॉर्ट्स लेके, ताकि आपको मैं ये बता सकूँ। बहुत सारे रेसिपीज़ जो है बोलते रहते हैं कि दीदी आप बनाया करिए, तो एक रेसिपी ये सभी को मालूम है। और ये रेसिपी सिर्फ व्रत में ही नहीं या पूजन में ही नहीं, आप नॉर्मली भी इसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ये छोले लिए हैं, ये काले वाले छोटे छोले हैं, लेकिन प्योर काले नहीं है, ये ब्राउनिश वाले का मतलब छोले हैं छोटे। इसको मैंने भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए, और उसके बाद मैंने इसको पानी में अच्छे से धो के इसको कुकर में चढ़ा दिया है। साथ में मैंने डाला है नमक, एक तेज पत्ता, और थोड़ी सी मैंने ली है इसमें चाय पत्ती, जिसको मैंने एक कपड़े में बांध दिया है। और एक बूंद या 2 बूंद आप तेल कह सकते हैं सरसों का, वो मैंने डाला है। सिर्फ इतनी ही चीज़ डाल के मैं इसको 2-3 सीटी जो है इसको लगाऊंगी, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और बहुत ही लजीज, आप कह सकते हैं बहुत ही खट्टा मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से ये चने बनते हैं। मैं 2 तरह से बनाती हूँ, एक मीठा भी बनाती हूँ, बट आज मैं सिर्फ आपको चटपटा बना के दिखाऊंगी। और ये बहुत ही टेस्टी बनता है, जो पूड़ियों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो स्टार्ट करते हैं, और इसको अब हम पकाने के लिए रख देते हैं, यानी कि कुकर में। और यहाँ पे छोले उबल चुके हैं, और अब हम मसाला तैयार करेंगे। इसमें मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, लेकिन चलिए क्या क्या डालना है वो मैं बताती हूँ। यहाँ हम एक कटोरी लेंगे, और उसमें हम लेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, चुटकी भर लेंगे काली मिर्च, और ये थोड़ा सा गरम मसाला मिक्स, ये थोड़ा सा मैंने लिया है, और एक हरी मिर्च हम लेंगे, और साथ में लेंगे हम एक नींबू, और ये नींबू को भी हम पूरा एक नींबू जो है इस कटोरी में ही निचोड़ देंगे। और यहाँ दूसरी तरफ मेरी बन गई है दूसरी सब्ज़ी भी, और मैं सारी सब्ज़ियाँ एक साथ में रेसिपीज़ नहीं बता पाती हूँ। और ये बिल्कुल जो हम दावतों में खाते हैं ना, अपने अगर पत्तल की दावत खाई हो हमारे देसी तरीके से, ये वैसे ही सब्ज़ी मैंने बनाई है। और इसमें मैंने डाल दिया है धनिया, और ये सब्ज़ी रेडी हो चुकी है। और अब हम बनाएंगे पूड़ियाँ, थोड़ी सी कचौड़ी, क्योंकि एक साथ मैं सिर्फ एक रेसिपी क्या ही आपको वीडियो बना के दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे खुद ही कैमरा पकड़ना होता है। तो ये रेडी हो चुका है, गैस फ्लेम जो है हम बंद कर देंगे। और अब मैंने नींबू भी निचोड़ दिया है, और साथ में मैंने डाला है कुछ अनारदाना जिसे बारीक जो है पीसा हुआ है, साथ ही इसमें है थोड़ा सा रायता मसाला। अब आप कहेंगे रायता मसाला, बस एक बार ट्राई करके देखना, आपको पता चलेगा उसका टेस्ट और सब चेंज हो जाएगा। अब तक आपको ये छोले खाने में बहुत मज़ा आएगा। और थोड़ी सी मैंने इसमें डाल दिए है धनिया कटा हुआ, और वो क्यों डाला है वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने छोले को फ्राई करना। और यहाँ मेरे चावल भी बन चुके हैं, और मैं चावल ज़रूर बनाती हूँ, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे यहाँ चावल बनना बहुत। और इसका मैं पानी जो है निथार के लेती हूँ, क्योंकि पानी निकाल देने से बहुत अधिक फैट जो है बॉडी पे नहीं चढ़ता है। इसलिए कढ़ाई में पहले से ही गरम तेल है, तो चलिए हम तड़का लगा देते हैं। जीरा डाल के जो भी मसाले मैंने रेडी किए थे वो सब डाल दिए हैं, और अब हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। और ये झट से फ्राई हो जाता है, और साथ में हम डाल देंगे छोले, और अब इसको अच्छे से पकाएंगे। इस छोले में बस एक ही फर्क है कि इसमें जो आपने अनारदाने का थोड़ा सा पाउडर और साथ में आपने जो रायता का मसाला डाला है, वही इसके टेस्ट को इन्हेंस कर देगा। और धीमी आँच पे आप इनको थोड़ी देर फ्राई होने दीजिए, और साथ में फिर आप हरे धनिए से इसको गार्निश कीजिए, और उसके बाद सर्व कीजिए। बहुत टेस्ट देगा, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। स्वाद अनुसार नमक आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लीजिए, हमारे छोले बनकर रेडी हैं। तो आपको ये पता तो तभी चलेगा जब आप स्वयं से बनाएंगे और इसका टेस्ट लेंगे। ठीक है, तो एक बार ट्राई कीजिएगा, और जैसा भी आपको लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। खूब सारा प्रेम, राधे राधे, श्री हरिदास।